गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 11:30 हो रहा है, बस हाफ एन आवर बचा है मॉर्निंग को आफ्टरनून में बदलने में। और कृपया करके पीछे ध्यान ना दें। जो पीछे आप देख रहे हो, ये हमारे यहाँ मेरा घर नहीं है, धोबी घाट है, तो कपड़े जो है वो ख़त्म नहीं होते हैं। एक कपड़ा फोल्ड करके रखती नहीं हूँ कि दूसरा जो है आके रेडी रहता है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी रखा हुआ है, वॉशिंग मशीन में भरा पड़ा है कपड़ा। अच्छा, इस पैंट का ना मनीषा जी, आप मांगी थी मुझसे, इस पैंट का लिंक आपने मांगा था। इस पैंट का लिंक आज के ब्लॉग में मैं डाल दूँगी, पक्का वाला। गोल्डी से सब कुछ मैं ले करके रखी हुई हूँ, लिंक वगैरह। मैं बोली थी गोल्डी को निकाल के रखने के लिए, तो गोल्डी मेरे फेस पे ही आ रहा है ना, लाइट का यहाँ से आ रहा है रिफ्लेक्शन। तो गोल्डी सब निकाल के रखी हुई है, बस उसको लेकर के मुझे आज डाल दूँगी मैं लिंक। उसी की सोच रही थी लेकिन फिर दिमाग से निकल गया। अभी जा रही हूँ पानी पिए, आज अभी तक पानी नहीं पी। मस्त सोनी हूँ, मतलब रिलैक्स वाली सोनी हूँ। मैं 3 बजे सोने गई। अंशु तो कल, वाह, उसकी 6 बजे सोने गया है। 6 बजे आप सबको तो पता ही होगा अंशु के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, मतलब कि 10th और 12th के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं ICSE बोर्ड में। तो मेरा बेटा बोला, मेरा बोर्ड ख़त्म हो गया मम्मा, मेरा बोर्ड ख़त्म हो गया मम्मा, अब मैं मुझे रिलैक्स करने दो। तो वो सोया है 6 बजे, गोली बोल रही। मैं 3 बजे तक जगी, बोली भैया मेरे बस की बात नहीं है इससे ज़्यादा जगना। फिर मैं चली गई सर, कब सोया पता नहीं। मैं भी बोली कि चलो बच्चों को उनके मन का एक दिन तो कर ले, छोड़ भी नहीं। और गोल्डी की आवाज़ आपको आएगी, सिर्फ गोल्डी अभी एग्जाम दे रही है। तो चलिए पानी बनाने चलते हैं, पानी पीते हैं। Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. But was too late. Yeah. We talk about. Seeing you in everywhere, in everywhere. दोनों माओं से बात करूंगी और उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगी, ठीक है? बाय। 12:30 हो रहा है, तो पोहे बना रही हूँ खुद के लिए और गुड्डू के लिए। और गोल्डी को सब्जी बना हुआ है, रात वाली सब्जी, तो गोल्डी अपने लिए वो रखी है क्योंकि उसको वो सब्जी बहुत पसंद है, बेसन की सब्जी। तो वो और पोहे खाने वाली है, तो नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद जो है सो शुरू करते हैं काम। Thank you.
गुड्डू को देखिए, पूरे बाल, सर के बाल गायब हो चुके हैं और अभी नाश्ता कर रहे हैं मैं और गुड्डू। और
5 मिनट्स। अंशु का बिरयानी आप देखो, देख लिए ना, इंस्टेंट बिरयानी वैसे ही बनाती हूँ। और पनीर भी फाड़ना मैं बता दी हूँ। 1 लीटर अगर दूध है आपका तो 1 नींबू काफ़ी होता है। धीरे 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 करके आप नींबू, दूध पहले बॉईल कर ले एकदम, तब जो है वो उसके अंदर आप नींबू डालते हो ना। तो देख लिए, अभी गुड्डू बाहर जा रहे थे, आज उन्हें चिकन बिरयानी खाना है। तो अंशु के लिए दिन में फटाफट मैं इंस्टेंट बिरयानी बनाई हूँ। पनीर नहीं था तो फटाफट पनीर फाड़ ली। पनीर फाड़ना मुझे सबसे इजी लगता है, फटाक से फाड़ लो। बॉयल दूध में कभी भी नींबू नहीं डालना चाहिए, यानी कि गैस के ऊपर आपका दूध चढ़ा हुआ है, गैस ऑन है, उसमें अगर आप नींबू डालते हो या फिर दही डालते हो तो वो ऐसे उड़ता है आपके फेस और हाथ के ऊपर पड़ सकता है। पहले दूध को बॉयल कर लें, उसके बाद तुरंत, ये नहीं कि 5 दूध बॉयल हो गया ओके फाड़ूंगी, नहीं, दूध बॉयल होता है और तुरंत आप उसके अंदर अगर नींबू या फिर दही डालते हो तो धीरे धीरे वो फट जाता है, तो रात में बिरयानी, अभी रात में भी बिरयानी है लेकिन चिकन बिरयानी। तो अभी मैं बिरयानी का सब कुछ प्रिपरेशन करने वाली हूँ, यानी कि प्याज टमाटर और सब कुछ काट करके रखने वाली हूँ। और ग्रेवी चाहिए गुड्डू को उसके साथ, तो ग्रेवी भी बना करके रखने वाली हूँ। और बस रात में उसको बना देना है, बाकी सब कुछ करके रखूँगी। रात में जो फाइनल जो तड़का मारना होता है कुकर के अंदर, वो मैं बाद में कर लूँगी। अंशु का इंस्टेंट बिरयानी तो ऐसे ही बनाती हूँ, मतलब एक साथ सब कुछ डाल करके बना लेती हूँ, लेकिन वो वाला रात वाला प्रॉपर बनाना है तो अलग से तड़का वगैरह डालना है। अभी दिन के बज रहे हैं 2 और लंच टाइम में नाश्ता हो चुका है पोहे, लेकिन लंच में आलू पराठा बनाने वाली, पता नहीं मुझे हेवी ही लग रहा है। मैं स्प्राउट खा लूँगी, गुड्डू के लिए आलू पराठा बना दूँगी। अंशु का तो बिरयानी ही बन रहा है, गुड्डू के लिए आलू पराठा और टमाटर की चटनी बना दूँगी, गुड्डू वो खा लेंगे। या फिर पराठा और गोभी, गोभी भून देती हूँ, आलू पराठा नहीं बनाती हूँ, गोभी भून देती हूँ गुड्डू के लिए। गोभी, और गोभी थोड़ा बड़ा बड़ा फूल का जो होता है ना, कॉलीफ्लावर, तो उसके अंदर थोड़ा सा प्याज वगैरह डाल करके ना वो गुड्डू बहुत प्रेम से खा लेते हैं, तो गुड्डू के लिए वो बना दूँगी और पराठा गुड्डू वो खा लेंगे। और गोल्डी भी वही खा लेगी, मैं स्प्राउट खा लूँगी और 1 ग्लास दूध पी लूँगी। तो मेरा तो आपको पता चल गया, रात का चिकन बिरयानी है। अभी बैठ के वो सब कपड़ा फोल्ड करूँगी, बाहर भी कपड़ा है वो सब भी ला के रखना है। वॉशिंग मशीन में कपड़ा है उसको निकाल के फैलाना है, और अभी जो है वो कपड़ा वॉशिंग मशीन में लगाना है। 5 मिनट्स हो गए, एलेक्सा स्टॉप, गैस को ऑफ करके आ, बस यही रहता है। 5 मिनट आप गैस ऑन करके एकदम लो फ्लेम में चढ़ा दो, आपका बिरयानी एकदम गजब का बिरयानी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। वही सब है, चल रहा है, देखते हैं। आज मेरा पर्पल का सब कुछ आने वाला है। एक्चुअली सुबह में पर्पल का सब कुछ आ गया था, लेकिन मेरा मोबाइल साइलेंट पे था और उसके प्रोडक्ट आए और लौट गए। मैं जब उठी हूँ तो मैं बोली हूँ कि इतने सारे मिस्ड कॉल किसके हैं, तो जब कॉल की हूँ तो पर्पल वाले का था। तो बोला मैडम मैं तो अब 3:30 तक आऊँगा, तो अब आएगा तो फिर वो ले लूँगी, फिर उसका पहले हाउल बनाऊँगी, पर्पल हाउल, फिर उसके प्रोडक्ट को यूज़ करूँगी, उसके बाद कैसे कैसे हैं फिर आप सबके साथ शेयर करूँगी। आज मुझे पर्पल के प्रोडक्ट रिसीव हो जाने वाले हैं। अब पूरा में आने वाला है कि थोड़ा आने वाला है पता नहीं, आने के बाद पता चलेगा। वही सब, चलिए कपड़ा निकालते हैं मशीन से। गोल्डी और अंशु है कंप्यूटर पे बैठे हैं, क्योंकि गोल्डी को प्रोजेक्ट जो है जी यूपी बिहार में आसमानी खतरा। टारगेट अचीव कर चुकी हूँ, अब अंशु का बिरयानी निकाल के रख देती हूँ और अंशु बिरयानी खाएगा, तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी। कहेगा कि ये इंस्टेंट बिरयानी, यम्मी यम्मी बिरयानी। पर्पल का सामान आ चुका है, ओपन करके नहीं दिखलाऊंगी मैं।
मैं लेजीनेस की हूँ, मैं नीचे नहीं गई हूँ, अंशु को भेजती हूँ अभी सामान लेकर के, अंशु आएगा फिर ओपन करती हूँ, देखती हूँ क्या आया क्या नहीं आया, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ब्लॉगिंग में बाद में डालूँगी, पहले उस चैनल। ये दिल्ली से ख़रीदी थी, ये वाला ब्लैंकेट है, ये दिल्ली से मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी ननद रहती हैं दिल्ली में, वो ख़रीद के भेजी हुई थी। मतलब इसको मैं थक गई, अब जाकर के ये ख़राब हुआ है। अभी अगर दिल्ली गई तो फिर से लेके आऊँगी, नहीं तो ऑनलाइन मंगा लूँगी। पैसा वसूल हो गया इसका भैया, तकरीबन 5-6 साल से यूज़ कर रही हूँ और ये गजब का। अभी टीवी पे नज़र गया मेरा, वो जो बहुत ज़्यादा जो ये हो रहा है ना, मतलब बारिश और पूरा वो सब दिखला रहा है। अंशु कभी भी प्रकट हो सकता है और अंशु प्रकट हो गया और ये मैं नहीं दिखलाऊंगी, तो मैं अपना ब्लॉग यहाँ पर ही खत्म करती हूँ। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, बाय।